हमारे इस इलाके के लिए इस तरह की नशिस्त थोड़ी सी यानी आदत नहीं होती, तो बोरिंग सी महसूस होती है। हमारे यहाँ मजाज तो ऐसे ही है कि खतीब साहब बोलें और मजमा सुने, तो उसके बावजूद आप दोस्तों ने इतनी मोहब्बत का ये और शफकत का इजहार फरमाया। इसी दौरान हमारे साथ बहुत से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जुड़े हैं, मैं उन सब का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र गुजार हूँ। ख़ास तौर पर हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के शगिर्द खास हज़रत मौलाना क़ारी इम्तियाज़ साहिब मोहतिम जामिया मदीनतुल इलम, उनके साथ हमारा जो मोहब्बतों का ताल्लुक है, और हमारे इंतहाई दिल के करीब हाफिज़ अहमद साहब सियालकोट के मारूफ ताजिर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतवार के दिन निकल आना अपने घर से दिन के टाइम, ये उनकी मोहब्बत है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसी दौरान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हमारे इलाके की मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत राना मोहम्मद अफजल साहब का MPA, और इनसे हमारी मोहब्बत इस वजह से भी है कि इनसे हमारा ख़ानदानी ताल्लुक है, इनका हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से, फिर इनके वालिद साहब का हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। दीगर उलमा भी यहाँ पर जमा हुए और ये बस अब आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। अकाबरीन भी मौजूद हैं, मेरे उस्ताज, मेरे रूहानी बाप हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना क़ारी शाह मंसूर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जो जानते हैं वो जानती हैं ये कितनी बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ताला इनका साया तादेद शफकत के साथ हम पे सलामत रखें। मैं मुख्तसर से वक्त के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान राना अफजल साहब से गुजारिश करूँगा वो माइक पर आएँ और मुख्तसर तासुराती गुफ्तगू ज़रा फरमा दें।